हेलो दोस्तों, आज हम लोग नंबर सिस्टम का वॉल्यूम 1 पढ़ेंगे, जिसमें देखेंगे कि ये कितना आसान होता है और इसे हम लोग कैसे लगाते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, यह तीन क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल 110 है, तो उनमें सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होगी? तो जो ऑप्शंस आपको दिए हैं, यानी कि ये सबसे छोटी प्राकृत संख्याएं दी हैं, तो अगर हम पहला ऑप्शन माने कि यह सही है, तो इसके आगे 8 के आगे 9 होगा और इसके आगे 10 होगा। तो इनके जब वर्ग करेंगे तो 10 दहम 100, 9 9 81, 8 28 64 हो जाएगा, और फिर इनको जब जोड़ेंगे तो 110 से कहीं ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये आपका ऑप्शन नहीं हो सकता है। तो उनमें सबसे छोटी प्राकृत संख्या निकालनी है। ऐसे ही हम बी वाले को, ऐसे ही सी वाले को लिख के देखेंगे तो हमारे ये कहीं ज्यादा हो रहे हैं अनुमान लगा के। अगर हम डी वाला ऑप्शन देखते हैं तो 5 और 6 और 7, इनको जब हम करके देखते हैं तो 5 25 6 6 36 और 7 7 49, इनको जोड़ने पर आपका 110 के बराबर हो रहा है, इसलिए हम इसको डी ऑप्शन हमारा सही हो गया। अगर हम इसको एक्स मान के लगाएं तो संख्या एक्स एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू और इनके होल स्क्वायर करके ऐड करेंगे, तब भी हम सबसे छोटी संख्या निकाल सकते हैं, लेकिन वो लंबा प्रोसेस होता है। ऐसे आप थोड़ा सा गैस मार के शॉर्टकट लगा सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में आपको शॉर्टकट्स की ही जरूरत होती है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यदि स्टार एक संक्रिया है तो एक्स स्टार वाई बराबर 3x+2y है, तो स्टार के स्थान ये जो 2 स्टार 3 प्लस 3 स्टार 4 किसके बराबर होगा, ये आपको निकालना है। तो बहुत ही आसान है, इसमें कुछ करना ही नहीं है। देखिए कैसे लगाते हैं, 2 स्टार 3 प्लस 3 स्टार 4 किसके बराबर होगा, बहुत ही आसान तरीके से लगाते हैं। इसको हम लोग वैल्यू पुट अप कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 into 2 plus 2 into 3। हम लोग 2 स्टार 3 की वैल्यू इस समीकरण में पुट अप कर रहे हैं, प्लस 3 into 3 प्लस 2 into 4। आप लोग भी करिए, और इसके बाद जब इनको मल्टीपल करके ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 29, जो कि ये वाला ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। तीसरा वाला क्वेश्चन देखते हैं। यदि a बराबर 11 है, b बराबर 9 है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी अपान ए क्यूब माइनस बी क्यूब का मान क्या होगा? आपने पढ़ा होगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में अगले ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। जब हम इस मान को रखेंगे यहाँ पे, तो ये वाला जो मान अभी रखेंगे ब्रैकेट में, इस पूरे को काट देगा, तो यहां पर आ जाएगा सिर्फ 1 अपान a माइनस b। इसका मतलब हो गया a अपान 1 माइनस b का मतलब, a माइनस b का मतलब 11 माइनस 9, यानी कि 1/2। तो ये आपका आंसर सही आ जाएगा। थोड़ा सा इसमें हमें सिर्फ फार्मूला लगाना है और कुछ नहीं करना है। नीचे वाला एक ब्रैकेट से आपका ऊपर वाला एक ब्रैकेट से कट जाएगा। यदि किसी संख्या का 1/9 उसके 1/10 से 4 अधिक है तो संख्या क्या होगी? तो हम इनमें डिफरेंस निकालेंगे। ऐसे सवालों में ऐसे करके डिफरेंस निकाल दीजिए। जब यहाँ करेंगे 10 यहाँ आ जाएगा, 9 यहाँ आ जाएगा, इसका मतलब 10 माइनस 9 यानी कि 1/90 बराबर 4 आ जाएगा, फिर 9 चौक 36, इसका आंसर 360 आ जाएगा। इसको आप एक्स मान के भी लगा सकते हो, अगर कॉपी आपके पास है तो आप लिखिए, मैं बता रहा हूँ। 1/9 माइनस 1/10 बराबर 4, फिर आप एलसीएम लेंगे तो 10 इधर आ जाएगा, यानी कि 10x-9x/90 = 4, इसका मतलब हो गया x/90 = 4, इसका मतलब x = 9 चौक 36, तिरछी कर देंगे 360 आ जाएगा। यदि किन्हीं तीन क्रमागत विषम प्राकृत संख्याओं का योग 147 है तो बीच वाली संख्या क्या होगी? बीच वाली संख्या हमेशा औसत होती है, और औसत का फार्मूला होता है योग बटे संख्या। यहाँ पर 3 संख्याएं हैं, इसलिए इसको 3 से जब भाग कर देंगे 147 को, तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा 49, जो कि हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। यही हमसे पूछ रहा था कि बीच वाली संख्या क्या हो जाएगी, तो आपका सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा।
दोस्तों थोड़ा सा फास्ट लगाया जा रहा है क्योंकि एग्जाम पर्पस से अगर हम तैयारी कर रहे हैं तो हमारे माइंड को थोड़ा सा फास्ट होना पड़ेगा। ये हमारी मजबूरी भी है और हमारे पास टाइमिंग और पेस दोनों की बचत करनी होती है, इसलिए हम लोग यहाँ पे दोनों की बचत कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 23 की पावर 23 का इकाई अंक क्या होगा? तो जब 23 की पावर 23 का इकाई अंक आपको ज्ञात करना है तो ये बहुत ही आसान होता है। जो लास्ट में 1, 3, 9 और 7 वाले क्वेश्चंस होते हैं उनमें हम इसकी पावर को सिर्फ 4 से भाग कर देते हैं। तो 23 की पावर को जब 4 से भाग करेंगे तो शेष आएगा 3। तो जो यहाँ पे 3 लिखा है इसी की पावर हम लोग 3 लगा देते हैं। जितना शेष आया है वो हम लोग पावर में लिख लेते हैं लास्ट अंक के। तो 3 तिहाई 3 की पावर 9 का मतलब 3 × 3 × 3 यानी कि 3 तिहाई 9 तिहाई 27। तो इसका आंसर आ जाएगा 7। इकाई अंक ही तो पूछ रहा था। 7 नंबर देखते हैं। यदि एक संख्या अपने पांचवें भाग से 20 अधिक है, तो एक संख्या हमने एक्स मान ली, उसका पांचवा भाग x/5 हो गया। एक्स माइनस x/5 बराबर 20 क्या आ जाएगा? तो कह रहा है वह संख्या क्या होगी, तो यहां पर आप एलसीएम लेंगे तो यहां पर आ जाएगा 5x-x यानी कि 4x/20। फिर ये 4 से ये 20 कट जाएगा, बराबर के दोनों तरफ कट जाता है। तो यहाँ पे 4 × 5 = 20 और जब उसके बाद तिरछी गुणा करेंगे तो नीचे से 5 इसमें गुणा हो जाएगा, यानी कि आंसर आ जाएगा यहाँ पे 4 × 5 = 20 है और 5 से गुणा करेगा तो आंसर आ जाएगा 25। ठीक है, इसको एलसीएम लेके आप लोग सॉल्व कर लीजिए। यदि किसी संख्या को 24 से भाग देने पर शेषफल 16 आता है, तो उस संख्या को जब 12 से भाग दें तो शेषफल क्या आएगा? ये सवाल बहुत आसान होता है और बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर 12 से 24 डिविजिबल हो रहा है तो सीधे हम शेषफल को ही 12 से भाग कर देते हैं। इस संख्या से जब भाग करेंगे तो आंसर आ जाएगा 4। ये आपका आंसर हो जाएगा 4, क्योंकि जब 16 को 12 से भाग करेंगे तो 4 ही तो आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 संख्याएं 2:3 के अनुपात में हैं और उनका गुणनफल 96 है, तो संख्याओं का योगफल क्या होगा? तो जब हम इस अनुपात से किसी को अलग करते हैं तो उसके साथ एक वेरिएबल आ जाता है, तो ये हो जाएगा 2x × 3x। ये आपका किसके बराबर है? ये आपका 96 के इक्वल है। तो 2x × 3x = 96। तो संख्याओं का योगफल क्या होगा? जब इससे हम इसको काटेंगे तो 3 × 2 = 6 हो जाएगा। 6x² = 96 यानी कि x² = 96/6। जब आपका x² = 96/6 आ रहा है तो इसको भाग करेंगे तो x² बराबर आ जाएगा 16, क्योंकि 16 × 96 होता है। तो x का मान जब अंडर रूट लेंगे तो 16 का अंडर रूट x बराबर यहाँ पे आ जाएगा, x बराबर आपका आ जाएगा 16 अंडर रूट के अंदर। उसके बाद जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 4, यानी कि x बराबर आ गया 4। जब x का मान 4 आ गया तो इन दोनों संख्याओं का योग पूछ रहा है, यानी कि 2x + 3x = हो जाएगा 5x, यानी कि 5 × 20। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये भी वैसा ही क्वेश्चन आ गया। 2137 की पावर 754, 2137 की पावर 754 है, तो कह रहा है इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा? 21 की पावर 754 में इकाई अंक क्या हो जाएगा? बहुत ही आसान है। अब इस 754 को आप सिर्फ 4 से भाग कर दीजिए। 754 को आप 4 से भाग करोगे तो लास्ट में शेष आएगा 2। 754 को आप जनरल तरीके से 4 से भाग करके देखिए, लास्ट में 2 आएगा। तो 7 की पावर 2 जब बचेगा, 7 की पावर 2, तो इसका इकाई अंक हो जाएगा 7×3 = 49, यानी कि इकाई अंक आएगा 9। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।